हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। हम सिंधीज़ की ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी, तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ 1.5 से 2 कटोरी चावल अच्छे से वॉश करके मैंने भिगो कर रखे हैं तकरीबन आधा घंटा। इसी के बाद मैंने यहाँ 2 से 3 बड़ी साइज़ के प्याज लिए हैं, जिसे मैंने फ्लाई फ्लाई तरीके से काट लिया है। हरी मिर्ची चॉपर में चॉप करके ली है और कुछ साबुत धनिया, काली मिर्च और एक तेज पत्ते का इस्तेमाल कर रही हूँ। सबसे पहले एक भगोना रखा है, उसमें तेजपत्ता, जीरा, काली मिर्च और साबुत धनिया हमें डाल देना है। अच्छी तरीके से जब ये सभी चीज़ें चटक जाएं, हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को हमें बहुत अच्छी तरीके से फ्राई करना है, मीडियम टू हाई फ्लेम पर। बीच बीच में आपको प्याज को चलाते रहना है और इसका कलर जब तक चेंज ना हो जाए तब तक आपको इसे पकाते रहना है। आप ये रेसिपी ज़रूर अपने घर में ट्राई करिएगा, आपके घर में सभी को बहुत पसंद आएगी। आप देख सकते हैं झटपटी प्याज का कलर बिल्कुल चेंज हो गया। दोस्तों, मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और मुझे एक अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से इस प्याज का कलर बिल्कुल ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्ची। हरी मिर्ची को डालकर हमें 2 मिनट तक अच्छे से इसे पकाना है, ताकि जो भी कच्चापन हो हरी मिर्ची का वो भी निकल जाए। बहुत अच्छी तरीके से इसमें मैंने इसे मिक्स कर दिया है और 2 मिनट बाद मैं इसमें डाल रही हूँ बिल्कुल थोड़ा सा पानी। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला है, प्याज तर में अच्छे से बैठ गया है। और अब मैंने इसमें डाल दिया है नमक बिल्कुल आधा छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच हल्दी। लाल मिर्च पाउडर मैंने यहाँ थोड़ा तीखा वाला यूज़ किया है, क्योंकि कलर तो ऑलरेडी हम प्याज से ही इस रेसिपी में लेके आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये सारे मसाले अच्छे से भुनने के बाद मैंने इसमें कम से कम 1.5 लोटे जितना पानी डाला है। अब इस पानी को उबलने का इंतज़ार करेंगे, ढक्कन लगा के रख दिया है। 2-3 मिनट में ही आप देखेंगे कि पानी बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। इसे एक बार चला लेती हूँ, उसके बाद जो मैंने चावल भिगो कर रखे थे वो चावल मैं इसमें बारी बारी से सारे ही शिफ्ट कर दूंगी। ये चावल इसमें अच्छे से शिफ्ट करके आप इसे एक बार ज़रूर चला लें और उसके बाद दोबारा से आप इसे हाई फ्लेम पर ढक्कन लगा दें। इससे क्या, इस पुलाव की, इस भुग्गा राइस की जो खुशबू है वो निकलेगी नहीं, बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होंगे। तो कुछ ही मिनट में आप देखेंगे कि पानी ज़्यादातर तो सूख ही चुका होगा। ढक्कन हटा के मैं देख रही हूँ, आप देख सकते हैं चावल थोड़े बड़े भी हुए हैं और पानी भी लगभग सूखने पर है। आप देखें जब पानी ये बिल्कुल सूख जाए, बिल्कुल इस तरीके से हल्के हल्के से बुलबुले उठने लगें, तब आप समझ जाइएगा कि इसी वक्त आपको यहाँ डालना है गरम मसाला। मैंने यहाँ आधा छोटा सा चम्मच डाला है और इसे ढक्कन लगा दिया है और इसके ऊपर मैंने एक वज़नदार चीज़ रखी है और फ्लेम को कर दिया है बिल्कुल लो। इस तरीके से 7 से 8 मिनट में ही आप देखेंगे कि आपने अपने घर पे बहुत ही बढ़िया भुग्गा राइस बनाकर तैयार कर दिए हैं, जो कि हम सिंधीज की बहुत ही फेमस, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। एक एक चावल इसमें अलग और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया खुशबू। तो धनिया पत्ती डाल के मैंने इसे सर्व कर दिया है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो, ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में।